तो आज बात करेंगे, कल जो हमने प्रैक्टिकल किया था दैट वाज एक्सपेरिमेंट नंबर 1 पीएच से रिलेटेड, उस प्रैक्टिकल से जो क्वेश्चन एंड आंसर्स निकलते हैं, खास करके एमसीक्यूज, मतलब हम एमसीक्यूज तकरीबन 40 एमसीक्यूज हमारे पास हैं, उनमें से हालांकि कुछ एक ऐसे भी हैं जो हमारे सिलेबस से बाहर के हैं, हम उनको हटा करके बाकी न्यूमेरिकल बाकी एमसीक्यूज देखेंगे। उसके पहले हम थोड़ा सा वाइवा बेस्ड और थोड़ा सा जो थ्योरी का बैकग्राउंड है हमारे प्रैक्टिकल का, उससे रिलेटेड थोड़ी बात और करेंगे। तो देखें कि एक्सपेरिमेंट क्या था, मैं आपको याद दिला दूं। दिस वॉज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, इसको हम एक्सपेरिमेंट फर्स्ट ए बोल रहे हैं। हाँ, जो एक्सपेरिमेंट फर्स्ट बी है वो हमने कल करना है, स्टडीइंग द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। इसमें हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड ले करके उनके रिएक्शंस की बेसिस पर उनका प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे, रिएक्शन विद लिटमस सॉल्यूशन, हाउ दे बिहेव विद लिटमस सॉल्यूशंस ब्लू एंड रेड, जिंक मेटल के साथ में उनकी रिएक्शंस रेस्पेक्टिवली कैसी होती है HCl और NaOH की, और सोडियम कार्बोनेट सॉलिड सोडियम कार्बोनेट के साथ में उनका रिएक्शन। तो जो थ्योरी में हमने पढ़ी है रिएक्शन, वही चीज़ें बेसिकली हम प्रैक्टिकल में देखेंगे। ये इसका बी पार्ट है। अभी हम ए पार्ट जो हमने कल किया था, जिसमें हमने फाइंडिंग द पीएच ऑफ द फॉलोइंग सैंपल्स लिए थे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इथेनोइक एसिड, लेमन जूस, वाटर एंड डाइल्यूट हाइड्रोजन कार्बोनेट दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट दैट इज बेकिंग सोडा, उन सबके विद द हेल्प ऑफ पीएच पेपर एंड यूनिवर्सल इंडिकेटर हमने उनमें क्या चेंजेस आते हैं, किस तरह का बिहेव करते हैं, और फिर उससे उनकी पीएच हम एक टेबुलर फॉर्म में ऑब्टेन करते हैं और ये अपने कंक्लूजन्स लिखते हैं कि विच सॉल्यूशन इज शोइंग व्हाट प्रॉपर्टीज, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस में सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे थ्योरी बेस्ड वाइवा क्वेश्चंस जो होते हैं, जो मतलब अगर आपको ओरली पूछा जाए तो आपके प्रैक्टिकल के बारे में आपकी नॉलेज क्या है वो चेक करता है। आपके पास अगर लैब मैनुअल है तो आप वो लैब मैनुअल में चेक करो, आपको इसी तरह से क्वेश्चंस मिलेंगे। हाँ, विद आंसर्स तो आप इनको देख लें या वो देख लें कि व्हाट डज पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन मीन, पीएच का मतलब क्या है। हाँ, इसको हम क्या बोलते हैं, एंटी लॉग या नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन। कैसे लिखते थे याद है आपको, हमने लिखा था पीएच इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ एच प्लस आयन, या इसकी जगह मैं H3O प्लस भी लिख सकता हूँ, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, उसको ब्रैकेट में लिख दिया। हाँ, एंटी लॉग, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारी टेबल होती है पीएच का जो लॉग टेबल होती है, एंटी लॉग टेबल होती है, उसमें हम वैल्यूज़ देखते हैं पीएच निकालने के लिए ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशंस वी हैव। तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की वैल्यू अगर हम ब्रैकेट में रखेंगे तो एंटी लॉग टेबल का मतलब जितना ज़्यादा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होगा पीएच का वैल्यू उतना ही नीचे आता है। नेम द साइंटिस्ट हु इंट्रोड्यूस्ड पीएच, इनका नाम था सोरेनसन। आपके लिए ये जनरल नॉलेज की बात है, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा इसमें शक है, लेकिन लैब मैनुअल में जो चीज़ें होती हैं वो हमको कवर करनी होती हैं। व्हाट इज़ द पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 7.34 to 7.45, हमारी बुक इसको 7.4 बताती है, दैट इज़ एब्सोल्युटली फाइन। व्हाट इज़ द रेंज ऑफ पीएच ऑफ ह्यूमन सलाइवा, दिस इज 6 to 8, हमारा जो माउथ का पीएच है वो कम से कम 6 तो रहे हमारी बुक में, जैसे हमने पढ़ा था कि 5.5 से अगर नीचे हमारा बकल कैविटी का माउथ का पीएच हो गया तो फिर डेंटल कैरीज होने का ख़तरा रहता है ना, क्योंकि ये एसिड जो होते यहाँ पर माउथ में पीएच डाउन क्यों होता है, क्योंकि बैक्टीरियल एक्शन होता है ऑन द शुगर्स विच इज़ प्रेजेंट इन द लेफ्ट ओवर फूड बिटवीन द टीथ। तो अगर हमने आफ्टर मील्स ब्रश किए बिना अगर हम सो गए तो क्या होगा कि वो आपका पीएच का लेवल जो होगा वो एसिड अक्यूमुलेशन की वजह से डाउन होता जाएगा, माउथ का पीएच जो है वो एसिड अक्यूमुलेशन की वजह से डाउन होगा। एसिड अक्यूमुलेशन क्यों होगा, क्योंकि बैक्टीरिया विल एक्ट अपॉन द शुगर्स इन द लेफ्ट ओवर फूड जो कि आपके टीथ के बीच में है, ठीक है, तो वो आपकी डेंटल कैरीज को वो एसिड जो होगा वो डेंटल कैरीज बना देगा, आपके जो
जो आपका डेंटल इनेमल है उसको धीरे धीरे करके करोड कर देगा। तो पीएच आइडियली 6 से ऊपर ही होना चाहिए माउथ का। डिफाइन इंडिकेटर, इट इज़ अ केमिकल विच चेंजेज इट्स कलर व्हेन कम्स इन कॉन्टैक्ट विद एसिड और बेसिस, एसिड बेस इंडिकेटर बोलते हैं उसको, जो अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज कर दे व्हेन इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद आइदर एसिड और अ बेस, उसको हम एसिड बेस इंडिकेटर बोलते हैं। अब यहाँ पे सिर्फ कलर इंडिकेटर को डिफाइन कर रहे हैं, थ्योरी में तो हमने एसिड बेस इंडिकेटर में ऑल्फैक्ट्री इंडिकेटर भी देखा है। हाँ, ऑल्फैक्ट्री मतलब जो स्मेल चेंज कर दे, ओडर चेंज कर दे। नेम टू सिंथेटिक इंडिकेटर्स, मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोल्फथलीन हमारी थ्योरी का ही क्वेश्चन है। नेम टू प्लांट्स यूज टू ऑब्टेन नेचुरल इंडिकेटर, रेड कैबेज, हिबिस्कस। हाँ, नेचुरल इंडिकेटर हमको मिलते हैं इससे। उसके अलावा हमारा जो लाइकेन है उसमें भी एल्गी जो है वो प्लांट है ना, एल्गी जो होता है वो प्लांट होता है, तो एल्गी और फंगस का कॉम्बिनेशन लाइकेन, जिसको हम क्रश करते हैं तो उसमें से निकलता है हमारा लिटमस सॉल्यूशन। लेकिन क्योंकि वो अकेला प्लांट नहीं है इसलिए यहाँ पर लिटमस नहीं लिखा है, मतलब लाइकेन नहीं लिखा है। लाइकेन इज़ नॉट अ प्लांट, ये बात ध्यान रखना। हमारी बुक में लिखा है लाइकेन इज़ अ प्लांट, थैलोफाइटा बताया उसको, दैट इज़ रॉन्ग, है ना। मैंने आपको थ्योरी के टाइम भी बताया था कि उस चीज़ को हटा लो अपने दिमाग से, क्योंकि आगे फिर कंसेप्ट गलत चला जाएगा आपका ना, एनसीईआरटी में गलत लिखा हुआ है वो। एल्गी उसमें, वो एल्गी और फंगस का कॉम्बिनेशन है, और मतलब सिम्बायोटिक कॉम्बिनेशन बोलते हैं ना हम, वो है वो, तो उसमें एल्गी प्लांट है, फंगस इज नॉट अ प्लांट। विच मेथड ऑफ मेजरिंग पीएच इज मोर एक्यूरेट, यूजिंग पीएच मीटर फॉर मेजरिंग पीएच गिव्स मोर एक्यूरेट रिजल्ट। लेकिन हम तो पीएच पेपर यूज़ करते हैं या इंडिकेटर, यूनिवर्सल इंडिकेटर यूज़ करते हैं। इफ़ द वाटर इज हीटेड एंड इट्स टेम्परेचर इज इंक्रीज टू 50 डिग्री सेल्सियस, वॉट वुड बी द पीएच ऑफ वाटर। ये वाटर का पीएच 6.55 यानी थोड़ा सा कम हो जाएगा, स्लाइटली एसिडिक हो जाएगा, लेकिन ये आपके काम की चीज़ नहीं, मतलब आपको एग्जाम में ये बातें नहीं पूछी जाएंगी। वॉट आर द कॉम्पोनेंट्स ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर, अब ये जो कॉम्पोनेंट्स है ये नॉलेज के लिए समझ लो, ये भी आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। आपको MCQ में भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इनमें से मतलब कौन सा नहीं है करके। तो कंपोनेंट्स ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर आर थायमोल ब्लू, मिथाइल रेड, ब्रोमो थायमोल ब्लू एंड फिनोल्फथलीन ना, इनको मिला करके, मतलब हम कहते हैं कि दिस इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल डाइज, तो वो डाइज के नाम है ये थायमोल ब्लू, मिथाइल रेड एंड ब्रोमो थायमोल ब्लू एंड फिनोल्फथलीन। What will be the color of pH paper if pH value is 7? उस समय उसका कलर ग्रीन होता है, ये बात तो पता ही है आपको। What will be the color of pH paper when hydrochloric acid is added to it? It is red, है ना? Obtain pink or red color? Actually pink तो कुछ होता नहीं है, red ही होता है। तो red ही आप इसको याद करें। What are strong acids? Strong acids क्या होते हैं? ये थ्योरी से आया है। स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर दोज विच गेट कम्प्लीटली आयनाइज इन देयर रिस्पेक्टिव एक्वस सॉल्यूशंस, जिनमें H+ आयन कंसनट्रेशन मैक्सिमम होती है। तो दोज एसिड्स विच रिलीज अ लार्ज नंबर ऑफ H+ आयन्स आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड्स। हाउ इज pH पेपर मेड, अ ब्लॉटिंग पेपर इज डिप्ड इन अ यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर तो सॉल्यूशन फॉर्म में है, कॉम्बिनेशन दैट इज एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ सेवरल डाइज, तो आप उसमें ब्लॉटिंग पेपर को जब डिप करोगे तो सब डाइज उसमें एब्जॉर्ब हो जाएंगी, एंड देन व्हेन द पेपर एब्जॉर्ब्स द इंडिकेटर इट इज़ अलाउड टू ड्राई, उसको सुखा देते हैं, तो फिर ये हमारा पीएच पेपर बन जाता है। व्हाट इज पीएच स्केल, द पीएच स्केल रेंजेस फ्रॉम 0 to 14 एंड इज़ यूज टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। पीएच स्केल पर किसी की पीएच के अकॉर्डिंग उसका रिलेटिव एसिडिक या बेसिक नेचर मेजर किया जाता है। गिव द यूज ऑफ पीएच इन डेली लाइफ, यूज ऑफ एंटासिड यूजिंग इनडाइजेशन, जब इनडाइजेशन हो जाता है या एसिडिटी का स्टमक एसिडिटी हो जाती है तो हम कोई एंटासिड यूज करते हैं, जैसे कि बेकिंग सोडा या फिर जैसे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं, ये सब एंटासिड्स हैं, इनको हम स्टमक एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज़ करते हैं। यूजिंग टूथपेस्ट टू प्रिवेंट टूथ डिके,
डेंटल कैरीज से बचाने के लिए, टूथ डिके से बचाने के लिए, क्योंकि हमारे टूथपेस्ट जो होते हैं दे आर अल्कलाइन इन नेचर, बेसिक इन नेचर, और वो माउथ में जो एसिडिटी हो गई है जिसकी वजह से पीएच 5.5 से नीचे जाने पर डेंटल कैरीज का ख़तरा होता है, वो हमारे पीएच को नीचे नहीं आने देता, 6 के ऊपर रखता है, वो अच्छी बात है। यूजिंग बेकिंग सोडा वेंस टंग बाय बी ना, बेकिंग सोडा कैन बी यूज, अदरवाइज हम तो कैलामाइन यूज़ करते हैं, जिंक कार्बोनेट का सॉल्यूशन यूज़ करते हैं उसमें। ओके, नेम टू नेचुरल इंडिकेटर्स, लाइकेंस, लिटमस ऑब्टेंड फ्रॉम लाइकेंस एंड टर्मरिक आर नेचुरल इंडिकेटर्स। वाई इज द पीएच ऑफ वाटर 7 एट 25 डिग्री सेल्सियस। इस समय 7 का मतलब है एच प्लस एंड ओ एच माइनस आयन कंसेंट्रेशन जो है वो इस समय 10^-7 मोल पर डेसी क्यूबिक मीटर। तो ये जो वैल्यू है 10^-7 एच प्लस की जगह हम रख दें अगर हमारे फॉर्मूला ऑफ माइनस लॉग एच प्लस में, तो हमारा पीएच एंटी लॉग टेबल में 7 आता है। दिस प्रैक्टिकली शोज दैट एच प्लस आयन कंसेंट्रेशन एंड ओ एच माइनस कंसेंट्रेशन आर इक्वल। 10^-7 को छोड़ो, आप तो ये सोचो कि अगर H प्लस आयन कंसेंट्रेशन और OH माइनस कंसेंट्रेशन बराबर होंगे तो H प्लस आयन कंसेंट्रेशन की वजह से एसिडिक प्रॉपर्टी होती है, OH माइनस कंसेंट्रेशन की वजह से बेसिक प्रॉपर्टी होती है, दोनों बराबर होंगे तो न्यूट्रल प्रॉपर्टी होगी और pH 7 होगा। वॉट इज द एप्लीकेशन ऑफ pH? इट इज़ यूज इन मेडिसिन, एग्रीकल्चर, ऑर्गेनोग्राफी एट्सेट्रा। मतलब कि हमको किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस का पीएच डिसाइड करना है, एक सर्टेन पीएच पर ही उसको बनाना है सो दैट इट कैन बी सेफली कंज्यूम्ड बाय पीपल और सेफली यूज्ड बाय पीपल, तो आपको उसके लिए पीएच के डिटर्मिनेशन की ज़रूरत पड़ती है। जैसे एग्रीकल्चर में आपने फर्टिलाइज़र्स बनाए हैं और फर्टिलाइज़र जो है उसकी एक सर्टेन पीएच आप रखना चाहते हो जिससे कि आपकी सॉइल में एसिडिटी ना हो जाए, सॉइल आपकी एसिडिक ना हो जाए, नहीं तो वो आपके सीड्स को, आपके प्लांट्स को नुकसान पहुंचाएगी, तो आप उसका पीएच पहले से डिसाइड करते हो। या एग्रीकल्चर में हम सॉइल टेस्ट करते हैं, सॉइल का पीएच टेस्ट करते हैं, सॉइल का सैंपल ले जा करके खेत में से और चेक करवाया जाता है, अगर एसिडिक है तो उसको न्यूट्रलाइज़ करने के लिए कोई एंटासिड यूज़ करना पड़ेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन जैसा। ये सब डे टू डे लाइफ में काम आने वाली बातें हैं जहाँ पे पीएच काम आता है। नेम टू केमिकल्स विच विल टर्न पीएच पेपर इनटू ब्लू कलर। मतलब कौन ऐसा केमिकल होगा जो रेड टू ब्लू कर देगा, यानी अल्कलाइनिक प्रॉपर्टीज या बेसिक प्रॉपर्टी वाला होगा। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, हमने जो सैंपल लिए थे उनमें से दो ऐसे थे, सोडियम हाइड्रोक्साइड इट वॉज स्ट्रॉन्ग एसिड और सोडियम बाइकार्बोनेट विच वॉज अ सॉल्ट विद बेसिक प्रॉपर्टीज। अभी एनसीईआरटी साइंस लैब मैनुअल क्वेश्चंस, अभी तक क्वेश्चंस जो थे वो वाइवा के क्वेश्चंस हैं। व्हाट डू यू मीन बाय पीएच, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन। व्हाट इज पीएच ऑफ प्योर वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस, इट इज 7। ये सब जनरल क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। What according to you should be the pH of dilute acid and dilute NaOH solution? अब हमने calculation की थी तो observe and explain your findings। हमने तो खैर calculation अपने practical से देखा कि dilute HCl जो है उसका around 1 और NaOH का around 14 हमारा pH आता है। यहाँ पर क्या एक्सप्लेनेशन है उसका कि पीएच ऑफ डाइल्यूट एचसीएल इज लेस देन 7 बिकॉज व्हेन इट इज डिसॉल्व इन वाटर इट इज डिसोसिएटेड टू रिलीज एच प्लस आयंस। हाँ, एच प्लस आयन कंसेंट्रेशन बढ़ने की वजह से पीएच 7 से नीचे चली जाती है। इसी तरह से सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मोर देन 7 है बिकॉज वो ओएच माइनस आयन कंसेंट्रेशन बढ़ाता है। On opening the soda water bottle, the dissolved carbon dioxide comes out. Would the pH of the solution increase or decrease as the gas comes out? Explain your answer either way. Basically, carbon dioxide is a
इज एन ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल कार्बन. कार्बन इज अ नॉन मेटल. और नॉन मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं, आपने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर में पढ़ा है कि वो या तो एसिडिक होते हैं और या तो न्यूट्रल होते हैं. बेसिक वो कभी हो नहीं सकते. तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ना, सोडा वाटर बॉटल प्रेशर के साथ में भरी हुई होती है. दिस इज प्रैक्टिकली 9th क्लास में हमने पढ़ा था कि ये एक सॉल्यूशन है जिसमें एक गैस सॉल्यूशन में सॉल्यूशन बना रही है वाटर के साथ में. हाँ, तो ये हमारा कार्बोनेटेड वाटर कहलाता है. बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड इज इनसाइड द वाटर. जब आप उस पे से प्रेशर हटाते हो तो ऑन ओपनिंग द सोडा वाटर बॉटल द डिजॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड कम्स आउट. वुड द पीएच ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज और डिक्रीज. तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस एसिडिक है, उसका पीएच जो है सोडा वाटर बॉटल इज कार्बोनिक एसिड विद कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिजॉल्व इन इट द पीएच इज लेस देन 7. एसिडिक है तो लेस देन 7 होगा. जब उसको बाहर निकाल देते हो व्हेन इट इज रिलीज्ड आउट एंड कंसंट्रेशन ऑफ एसिड डिक्रीजेस, पीएच इंक्रीज हो जाएगा. कार्बन डाइऑक्साइड वॉज द रीजन फॉर, और कार्बोनिक एसिड वॉज द रीजन फॉर इट्स हैविंग लेसर पीएच. हाँ, पीएच लेसर देन 7 है. कार्बोनिक एसिड हालांकि बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, वीक एसिड है एक्चुअली, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से वो एसिडिक प्रॉपर्टी है. कार्बन डाइऑक्साइड खुद एक नॉन मेटल ऑक्साइड है, हमने कहा, जो एसिडिक प्रॉपर्टी का होता है. तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा तो ऑब्वियसली एसिडिक प्रॉपर्टीज़ कम होंगी, और एसिडिक प्रॉपर्टी कम होना मतलब पीएच का बढ़ना, तो पीएच विल इंक्रीज. ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस हमने देखे ये हमारे लैब मैनुअल के क्वेश्चंस थे. अब हम एमसीक्यूज की बातें करेंगे. सबसे पहले प्रोसीजर एंड मैनिपुलेटिव स्किल्स. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड टू फाइंड द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन. पीएच पेपर, एचसीएल, यूनिवर्सल इंडिकेटर, स्टैंडर्ड पीएच वैल्यू चार्ट. तो जो हमारा एचसीएल है उसको वो किसी दूसरे सॉल्यूशन की पीएच पता करने के लिए काम में नहीं आता है. मतलब दैट इज़ नॉट आइदर द इंडिकेटर और अ स्केल. तो एचसीएल यहाँ पर हमारा आंसर होगा. फिर देखें क्वेश्चन नंबर 2. विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस वुड यू यूज टू टेस्ट द पीएच ऑफ गिवन सैंपल. अब कोई सैंपल हमें दिया है तो आप क्या यूज़ करें. ब्लू लिटमस सॉल्यूशन है आपके पास, रेड लिटमस सॉल्यूशन है, यूनिवर्सल इंडिकेटर सॉल्यूशन है, मिक्सचर ऑफ रेड एंड ब्लू लिटमस सॉल्यूशन है. तो देखो, हमें सॉल्यूशन दिया हुआ है, हमें पीएच चेक करनी है. ब्लू लिटमस सॉल्यूशन हमारे काम सिर्फ तब आएगा जब हमारे पास बेसिक सॉल्यूशन है, एसिडिक सॉल्यूशन है, वो ब्लू को रेड कर देगा. इसी तरह से रेड तब काम आएगा जब हमारे पास बेसिक सॉल्यूशन है, वो रेड को ब्लू कर देगा. हाँ, कॉम्बिनेशन दोनों का उसका कोई मतलब नहीं है. लेकिन यूनिवर्सल इंडिकेटर आपको हर किसी सॉल्यूशन के लिए, इवन इफ यू हैव अ न्यूट्रल सॉल्यूशन लाइक अ डिस्टिल्ड वाटर, आपके पास एक न्यूट्रल सब्सटेंस है तो उसका भी पीएच बताता है. इसलिए यूनिवर्सल इंडिकेटर इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द पीएच और टेस्ट द पीएच ऑफ अ गिवन सैंपल. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर. अभी वही चीज़ें देख रहे थे, हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है ये. इसमें से आप सेफ्रेनिन को हटा दो, सेफ्रेनिन यूनिवर्सल इंडिकेटर में नहीं होता है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे नहीं जाते. विच ऑफ द फॉलोइंग टर्न्स पीएच पेपर टू रेड. पीएच पेपर अगर ब्लू है तो ब्लू से रेड कौन करेगा, जो कि एसिडिक प्रॉपर्टी वाला होगा. तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH होल ट्वाइस इज अ बेस. बेकिंग सोडा इज अ बेसिक सॉल्ट. ऑक्सैलिक एसिड जो टोमेटो में मिलता है दैट इज एन एसिड. दिस इज द करेक्ट आंसर, है ना. NaCl सॉल्यूशन इज अ न्यूट्रल सॉल्ट. सोडियम क्लोराइड न्यूट्रल सॉल्ट है जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बना है, इसलिए ये भी काम का नहीं है. इफ अ पीएच इंडिकेटर पेपर इज डिप्ड इन अ ग्रेप जूस सॉल्यूशन. ग्रेप जूस मतलब एसिड. तो व्हाट विल बी द पॉसिबल कलर ऑफ द पीएच पेपर. डीप रेड, ब्लू, ऑरेंज, वायलेट. तो देखो, वायलेट तो कोई कलर है नहीं, वैसे भूल जाओ. डीप रेड बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है ग्रेप जूस, तो डीप रेड भी नहीं है. ब्लू हो ही नहीं सकता, बच गया ऑरेंज. ऑरेंज इज द आंसर. हाँ, जितने भी एडिबल एसिड्स हैं
चाहे वो ऑक्जैलिक एसिड हो, चाहे वो मैलिक एसिड हो, चाहे वो ये ग्रेप जूस ना, सिट्रिक एसिड, जो मर्जी एसिड हो, हर किसी एसिड में हमको जो एडिबल है हमें वीक एसिड मिलता है ना, मतलब पीएच जो है वो वन या ज़ीरो के आसपास नहीं होगी, हाँ ये स्लाइटली हायर साइड पे होगा, और कलर जो होगा वो ऑरेंजिश या येलोइश होगा। द पीएच ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड एट 37 डिग्री सेल्सियस विल बी रिस्पेक्टिवली, इसको छोड़ दो, ये सब आपके काम की चीज़ नहीं है। नेचर ऑफ टी एंड कॉफ़ी इज़, ये स्लाइटली एसिडिक होते हैं, हाँ तो एसिडिक लिख दें, नॉट हाईली एसिडिक बट एसिडिक होते हैं, बेसिक ये बिल्कुल नहीं होते। द पी एच ऑफ सॉल्यूशन चेंजेस फ्रॉम 6 to 4, द सॉल्यूशन बिकम्स एसिडिक ना, अगर 6 से 4 हो गया तो 6 पे भी एसिडिक था, अभी वो मोर एसिडिक हो गया, 6 to 4 हो गया तो सी इज़ द मोर एसिडिक। ऑन एडिंग फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मिल्क इन वाटर द पी एच ऑफ दिस सॉल्यूशन विल बी, अब वो वाटर जो है वो हम डिस्टिल वाटर मान रहे हैं जिसकी पी एच 7 होती है, अगर आप उसमें मिल्क डाल दोगे थोड़ा सा, तो मिल्क में एक एसिड है जिसको हम लैक्टिक एसिड बोलते हैं, वैसे तो लैक्टोज शुगर होती है ना, लेकिन हम ये मानते हैं कि वो कुछ एसिडिक पार्ट उसमें हो सकता है, उसकी थोड़ी सी कर्डलिंग हो सकती है, तो स्लाइटली ड्रॉप करके 7 से थोड़ा सा कम होके 6.8 हो सकता है पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। द एसिड प्रेजेंट इन कर्ड इज लैक्टिक एसिड, जो शुगर लैक्टोज शुगर थी वो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की हेल्प से लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है कर्डलिंग की प्रोसेस के दौरान। वाटर ऑन आयनाइजेशन डिसोसिएट्स टू फॉर्म एच प्लस एंड ओ एच माइनस आयंस, एच थ्री ओ प्लस एंड ओ एच माइनस आयंस, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, यस ये दोनों बातें ठीक हैं ना, ए और बी दोनों ठीक हैं, आप ऐसा भी लिख सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हो ना, ये हाइड्रोनियम आयन है और ये हाइड्रोजन आयन है, ये तो हाइड्रोक्साइड आयन है ही। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशनल स्किल, हम जब ऑब्जर्व करते हैं हमारे रिजल्ट्स को, हमारे एक्सपेरिमेंट के सेटअप को, तो क्या क्या दिखता है, सॉलिड सोडियम बाइकार्बोनेट, हाँ बेकिंग सोडा वॉज प्लेस्ड ऑन अ स्ट्रिप ऑफ पीएच पेपर, द कलर ऑफ द स्ट्रिप टर्न्ड ब्लू, ये ठीक है ना, पीएच पेपर पे रखा है तो वो अच्छा सॉलिड है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हाँ डिड नॉट चेंज, क्यों, क्योंकि ये सॉलिड है, इसका आयनाइजेशन नहीं हो रहा है, इसका सॉल्यूशन बना करके ही आपको एक ड्रॉप विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर डालना पड़ेगी, तब कलर ब्लू हो जाता है ना, हम अभी गलती करने वाले थे क्योंकि हमने ध्यान नहीं दिया क्वेश्चन, सॉलिड वर्ड लिखा हुआ है जानबूझ के। द टू कलर सीन ऑन द एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द पीएच चार्ट्स आर, एक एंड पे रेड, दूसरे पे ब्लू, एक पे रेड दूसरे पे ग्रीन, एक पे ऑरेंज ग्रीन, एक पे ग्रीन एंड ब्लू, तो रेड एंड ब्लू है ना, जो कि डार्क ब्लू होता है एक्चुअली। सॉल्यूशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट वॉज प्लेस्ड ऑन अ स्ट्रिप ऑफ पीएच पेपर, सॉल्यूशन ऑफ ना, अब सॉलिड नहीं है, द कलर ऑफ द स्ट्रिप टर्न्ड ब्लू, अब हम यहाँ पे ब्लू लिख सकते हैं, पहले सॉलिड था अभी सॉल्यूशन है। ऑब्जर्व द फॉलोइंग फिगर्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, इथेनोइक एसिड, वाटर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम बाइकार्बोनेट, पीएच ऑफ 1 इज ग्रेटर देन 2 and 4, इथेनोइक एसिड का पीएच अराउंड हमारे कैलकुलेशंस में 6 था, वैसे 4 तो है ही, तो वो ग्रेटर है 2, वाटर से ग्रेटर हो नहीं सकता है ना, ये बात गलत हो गई, सोडियम बाइकार्बोनेट का तो और भी ज़्यादा है पीएच, तो ए तो गलत है। बी, पीएच ऑफ 1 इज लेस देन 3, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड 4, ये भी गलत है क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का तो 1 ही है पीएच, तो इथेनोइक एसिड का इससे कम नहीं हो सकता है ना, आई बिलीव ये 111 या 3 लिखा है ना। पीएच ऑफ 4 इज लेस देन, उसका तो सबसे ज़्यादा है, ये बात तो गलत, पीएच ऑफ 4 इज हाईएस्ट, यस डी इज़ द करेक्ट आंसर। द कलर्स ऑब्टेंड ऑन अ पीएच पेपर फॉर अ हाईली एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल सॉल्यूशंस रिस्पेक्टिवली आर, जो एसिडिक होगा उसके लिए तो रेड होगा, हाँ और
बेसिक के लिए जो होगा वो ब्लू होगा और न्यूट्रल के लिए ग्रीन होगा, तो सी इज़ द आंसर. अ स्टूडेंट टेस्ट द पीएच ऑफ डिस्टिल्ड वाटर यूजिंग पीएच पेपर एंड ऑब्जर्व्ड ग्रीन कलर. After adding a few drops of dilute sodium hydroxide solution, the pH was tested again. The color changes, change now observed would be, अब वो क्या हो जाएगा, वो ब्लू हो जाएगा, क्योंकि ब्लू इज द कलर फॉर एल्कलैनिटी. द स्टूडेंट वॉज गिवन फोर अननोन कलरलेस सैम्पल्स लेबल्ड ए बी सी एंड डी. कलरलेस सैम्पल्स हैं. ही वॉज आस्क्ड टू टेस्ट द देयर पी एच विद पी एच पेपर. ही ऑब्जर्व द फॉलोइंग कलर चेंजेस. लाइट ए में वो लाइट ग्रीन हो गया, बी में डार्क रेड हो गया, सी में लाइट ऑरेंज हो गया और डी में डार्क ब्लू हो गया. डार्क रेड हाईली एसिडिक, डार्क ब्लू हाईली बेसिक, लाइट ऑरेंज एसिडिक है लेकिन वीक एसिड है, लाइट ग्रीन ये न्यूट्रल मान सकते हो या जस्ट बिलो न्यूट्रल मान सकते हो. सो द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीएच, सबसे कम पीएच किसका, उससे ज़्यादा किसका, तो हम इसको ऐसा मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है हमको. तो देखो ए का सबसे कम, बी का उससे ज़्यादा, ऐसा तो हो नहीं सकता. जो सबसे कम पीएच होगा वो तो बी का ही होगा. अब ये यहाँ पे केवल एक ही जगह पे दे रखा है ना, बी सी ए डी इज द सीक्वेंस गिवन इन डी, तो डी इज द करेक्ट आंसर. स्टूडेंट एड्स अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर टू अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट टेकन इन अ टेस्ट ट्यूब. ऐसा हमने देखा था, ड्रॉप्स ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर डाइल्यूट सोडियम बाइकार्बोनेट में डाला, कलर हो जाएगा ब्लू. स्टूडेंट एड्स अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर टू अ सॉल्यूशन ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन अ वे शोन हियर. ही शुड ऑब्जर्व द कलर ऑफ द सॉल्यूशन. अभी क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा. ये सब ऑब्जर्वेशन स्किल्स हैं, रेड हो जाएगा. पर्सन एक्स टेस्टेड द पी एच ऑफ हिज सलाइवा इमीडिएटली आफ्टर ड्रिंकिंग कॉफी. द पी एच रेंज ही गॉट. अभी पी एच रेंज सलाइवा की वैसे होती है 6 to 8. कॉफ़ी की वजह से वो थोड़ा सा नीचे हो जाएगा, 6 to 8 के बजाय वो 6 to 7 हो जाएगा. स्लाइटली लोअर मतलब कॉफ़ी जो है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक नहीं है लेकिन थोड़ा एसिडिक तो है. A drop of liquid sample was put on the pH paper. The color of the pH paper turned blue. The liquid sample could be that of, अभी आपने sample डाला और वो blue हो गया, तो basic होना चाहिए. अभी इनमें से basic कौन सा, वो आपने देखना है. Lemon juice नहीं है, hydrochloric acid नहीं है, sodium bicarbonate solution is the correct answer. Ethanoic acid भी acid है. The colorless liquid sample was tested with pH paper strip. The color of the strip changed to green. The colorless liquid is, आपने liquid को pH paper strip पे डाला और वो green हो गया, तो फिर वो कोई distilled water type की चीज़ होना चाहिए. हाँ, green हुई है. अब distilled water यहाँ पे option नहीं है लेकिन tap water option है, तो tap water is the correct answer, क्योंकि बाकी सब या तो bases हैं या तो acids हैं. क्वेश्चन नंबर 24 देखें. द कलर ऑफ द पी एच पेपर स्ट्रिप टर्न्ड रेड व्हेन इट वाज डिप्ड इन अ सैंपल. द सैंपल कुड बी रेड. कब होता है, जब एसिडिक होता है. तो सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं हो सकता, टैप वाटर नहीं हो सकता, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी नहीं हो सकता, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज द ओनली ऑप्शन लेफ्ट. On introducing a strip of pH paper of 1 ml of given solution, the pH paper changed to light red. The given solution could be of red है तो acidic तो है, sodium hydroxide हो नहीं सकता, bicarbonate हो नहीं सकता, mixture of sodium hydroxide, sodium bicarbonate भी नहीं हो सकता, ethanoic acid yes. This is the correct answer. Light red है, deep red हो नहीं सकता, ethanoic acid मतलब हमारा vinegar हो सकता है.
ऑन पुटिंग अ ड्रॉप ऑफ लिक्विड ऑन अ पीएच पेपर अ स्टूडेंट ऑब्जर्व अ स्मॉल सर्कुलर पैच ऑफ ब्लू कलर ऑन द पीएच पेपर द लिक्विड इज मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट लग रहा है. खैर ब्लू हो गया है तो ऊपर कुछ भी हो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH इज द करेक्ट आंसर. फिर देखें ऑन इंट्रोड्यूसिंग अ स्ट्रिप ऑफ पीएच पेपर इन 1 ml ऑफ गिवन सॉल्यूशन पीएच पेपर चेंज टू ब्लू द गिवन सॉल्यूशन कुड बी ऑफ मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम बाइकार्बोनेट इज करेक्ट. बाकी तीनों एसिड हैं. फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लिक्विड एक्स वर एडेड टू डिस्टिल्ड वाटर इट वॉज ऑब्जर्व दैट पीएच ऑफ वाटर डिक्रीज्ड. मतलब एसिडिक डाला है आपने कुछ लेमन जूस इज द करेक्ट आंसर. शुगर सॉल्यूशन कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन बेकिंग सोडा कोई भी एसिडिक नहीं है. अ मॉइस्ट लिटमस पेपर मॉइस्ट मतलब गीला इज इंट्रोड्यूस्ड इन अ गैस जार कंटेनिंग गैस आफ्टर सम टाइम द पेपर बिकम्स कलरलेस. ओके द गैस प्रेजेंट इन द जार इज अभी देखो मॉइस्ट लिटमस पेपर है. लिटमस पेपर कलरलेस हो जाता है ऐसी तो लिटमस पेपर या तो ब्लू होता है या तो रेड होता है. कार्बन डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड अमोनिया हाइड्रोजन यहाँ पे आप आंसर केवल हाइड्रोजन ही लिख सकते हो जो कि न्यूट्रल है. हालांकि कलरलेस होता है ऐसी तो कोई बात नहीं है. एक्चुअली कार्बन डाइऑक्साइड इज़ एसिडिक सल्फर डाइऑक्साइड इज़ एसिडिक एंड अमोनिया इज़ NH3 विच बिहेव्स लाइक बेस व्हेन इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है. तो लिटमस पेपर जो है वो अगर ब्लू होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर की के कॉन्टैक्ट में पिंक हो जाएगा रेड हो जाएगा. और अमोनिया की प्रेजेंस में अगर मॉइस्ट लिटमस पेपर अगर रेड है तो वो ब्लू हो जाएगा. तो इन्होंने कलर तो दे नहीं रखा लिटमस पेपर का. और ये कह रहा है पेपर बिकम्स कलरलेस ऐसा होता नहीं लेकिन शायद वो ये ऑड वन आउट हमको यहाँ पे हाइड्रोजन मिलता है जो कि एसिडिक भी नहीं है और बेसिक भी नहीं है वो न्यूट्रल है. ऑन पुटिंग अ ड्रॉप ऑफ लिक्विड ऑन अ पीएच पेपर स्टूडेंट ऑब्जर्व्स अ स्मॉल सर्कुलर पैच ऑफ रेड कलर. तो वैसा ही क्वेश्चन है ऑड वन आउट निकाल लें सब में ये न्यूट्रल है ये दोनों बेसिक हैं HCl इज द ओनली एसिड. द फ्रूट जूस इज टेस्टेड फॉर इट्स pH वैल्यू वॉट कुड बी द पॉसिबल pH इफ द कलर इज चेंज टू येलो. तो लेस देन 3.5 बिटवीन 5.5 एंड 6.5 इज अ बेटर ऑब्जर्वेशन है ना. 5.5 एंड 6.5 के बीच में है तो जो फ्रूट जूस है वो एसिडिक होगा बहुत ज़्यादा एसिडिक यानी लेस देन 3.5 यानी बहुत स्ट्रॉन्ग एसिडिक होगा ऐसा हमको लगता नहीं. तो मोस्ट प्रोबेबली इट इज बिटवीन 5.5 एंड 6.5. When a pH paper is dipped in a solution, the color of pH paper changes to deep red. What will be the possible pH of the solution? Deep red है तो actually तो 1 होना चाहिए तो none of these 0-1 के आसपास होना चाहिए ना. 2 ले सकते थे लेकिन none of these option नहीं होता तब. यदि यहाँ पे कुछ और option होता none of these के बजाय 3-4-5 करके कुछ और होता तो हम 2 ले लेते लेकिन यहाँ पर 2 के साथ none of these है तो फिर हम चाहते हैं कि वो 1 हो जैसा कि हमने HCl के केस में देखा था. स्टूडेंट प्लेस्ड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लिक्विड ओवर अ पोर्शन ऑफ द ब्लू लिटमस पेपर एज शोन हियर शोन वेयर ऐसा शायद यही दिखाना चाह रहे हैं. ओके तो ही ऑब्जर्व्ड दैट द ब्लू लिटमस पेपर टर्न्ड रेड द लिक्विड शुड बी ब्लू को रेड कौन करेगा डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड बिल्कुल कर देगा सोडियम हाइड्रोक्साइड बाइकार्बोनेट नहीं करेंगे और वाटर भी नहीं करेगा तो ए इज द करेक्ट आंसर. ऑन एडिंग अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर टू 3 अननोन कलरलेस सॉल्यूशंस पी क्यू एंड आर टेकन इन 3 टेस्ट ट्यूब्स सेपरेटली एज शोन इन द फिगर अ स्टूडेंट ऑब्जर्व द चेंजेस इन कलर एज ग्रीन इन पी रेड इन क्यू एंड वायलेट इन आर. ग्रीन न्यूट्रल एसिडिक
वायलेट या ब्लूइश जो कलर है डार्क ब्लू की तरफ जा रहा है तो वो बेस है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीएच, सबसे ज़्यादा इसका, उसके बाद इसका और उसके बाद इसका, डिक्रीजिंग ऑर्डर आर पी क्यू, कहाँ दिख रहा है आर पी क्यू, यहाँ ना, बी इज द करेक्ट आंसर। फोर स्टूडेंट्स वर आस्क्ड टू टेस्ट द पीएच ऑफ फोर सैंपल्स एज शोन अंडर, हुज रिजल्ट इज रिपोर्टेड करेक्टली, वाटर सेवन, स्टूडेंट ए है ये, इन्होंने वाटर सेवन, इथेनोइक एसिड वन, गलत है, इथेनोइक एसिड का थ्री चलेगा, वाटर सेवन, इथेनोइक एसिड सेवन, एच सी एल वन, एन ए ओ एच वन, गलत है, सेवन वन गलत है, सेवन थ्री वन थर्टीन, इसके सब सही है ना, तो डी इज करेक्ट। इन एन एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट द पी एच ऑफ अ गिवन सैंपल यूजिंग पी एच पेपर, फोर स्टूडेंट्स रिकॉर्डेड द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ये कह रहा है वाटर पी एच पेपर कलर जो है वो ब्लू है, तो ये गलत है, एच सी एल का रेड सही है, एन ए ओ एच का ब्लू ठीक है, एसिटिक एसिड का ऑरेंज ये भी ठीक है, तो फर्स्ट वाला रॉन्ग है, इनकरेक्ट है। What will be the pH of dilute HCl if its concentration is 0.01? ये जो 0.01 जो आपको मोलारिटी वगैरह का जो ये आपके सिलेबस में नहीं है, इसका आंसर 1 नहीं है, है ना, ये ध्यान रखना, इसका आंसर 2 आ जाएगा, लेकिन आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे ना, तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये 0.01 mm टाइप के, ये आपको क्योंकि सिखाए नहीं गए हैं तो इनको छोड़ दो। ऑन ओपनिंग ऑफ सोडा वाटर बॉटल व्हाट विल बी द पीएच ऑफ सॉल्यूशन व्हेन मेजर्ड आफ्टर फ्यू मिनट्स, हमने कहा था कि कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी तो पीएच जो है वो बढ़ जाएगा क्योंकि एसिडिक होती है कार्बन डाइऑक्साइड। इफ द पीएच पेपर कलर इज ऑब्टेंड ऑरेंज ऑन पुटिंग अ ड्रॉप ऑफ सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन इज एसिडिक, यस, हाईली एसिडिक नहीं लेकिन एसिडिक। ये हमारे क्वेश्चंस यानी हमारे एमसीक्यू हो गए। कल हम सेकेंड एक्सपेरिमेंट यानी कि फर्स्ट एक्सपेरिमेंट का सेकेंड पार्ट, एक्सपेरिमेंट 1B करेंगे, और उसमें क्या देखेंगे कि किस तरह से हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन करते हैं, किसके साथ, लिटमस के साथ, ब्लू या रेड लिटमस पेपर के साथ उनका क्या रिएक्शन होता है, या फिर जिंक मेटल के साथ में उनकी रिएक्शन कैसे होती है, या सॉलिड सोडियम कार्बोनेट के साथ में वो किस तरह का रिएक्शन, यानी मेटल कार्बोनेट बाइकार्बोनेट के साथ में एसिड और बेस की क्या रिएक्शंस हो सकती हैं, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो तब तक आप ये जो आज हमने क्वेश्चंस किए हैं इनको अच्छे से देख लो, और अगर लैब मैनुअल्स आपके पास हैं तो आप उनको पढ़ लो, उस पर मार्क कर लो, अगर आपके पास नहीं है तो इंटरनेट पर आपको लैब मैनुअल मिल जाएगा, उसे देख ज़रूर लें एक बार, जिससे कि आपको क्लैरिटी रहे, कॉन्फिडेंस आए। ठीक है, थैंक यू।